हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे और आप देख रहे हैं फिनोमिनल आरजे रसल चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डब्बा काटो और प्रॉन्स टोमन के बारे में। तो इन दोनों में कौन है स्ट्रांग और कौन है रियल का जायंट, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी हाइट और वेट के बारे में। तो डब्बा काटो की हाइट 6 फुट और 10 इंच है और उनका वेट 350 पाउंड है। अब बात करते हैं प्रॉन्स टोमन की हाइट और वेट के बारे में। तो प्रॉन्स टोमन की हाइट है 6 फुट और 8 इंच और उनका वेट है 385 पाउंड। मतलब कि डब्बा काटो हाइट में तो लंबे है प्रॉन्स टोमन से, लेकिन वेट में ज़्यादा है ब्रॉन्स ट्रोमन डब्बा काटो से। अब बात करते हैं इनकी चैंपियनशिप के बारे में। तो ब्रॉन्स ट्रोमन फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन, फॉर्मर आईसी चैंपियन और फॉर्मर रॉ टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं 2 टाइम। अब बात करते हैं डब्बा काटो की चैंपियनशिप के बारे में। तो डब्बा काटो ने अभी तक WWE में एक भी चैंपियनशिप नहीं जीती है, क्योंकि WWE उनको इतना ध्यान नहीं, उन पर इतना ध्यान नहीं देती और उनको एक अच्छी स्टोरी लाइन में बुक नहीं करती। अभी फ़िलहाल में वो अपोलो क्रूज के साथ फिलहाल में टीवी टाइम WWE दे रही है उनको, लेकिन वो एक बढ़िया स्टार बन सकते हैं। लेकिन उनका हाइट और उनका वेट काफ़ी बढ़िया है। उनकी हाइट जायंट मतलब कि ब्रॉन्स स्ट्रोमन से तो लंबे है वो, लेकिन WWE उनको एक अच्छी स्टोरी लाइन में डालती नहीं। अगर वो डालती है तो डब्बा काटो के दिन बदल सकते हैं WWE में। अगर इन फ्यूचर उनका मौका मिलता तो वो भी चैंपियनशिप अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके फ्यूचर मैच के बारे में। तो अंडरग्राउंड में हमने इन दोनों सुपरस्टार को बहुत बार लड़ते हुए देखा। ब्रॉन्स स्ट्रोमन ने उनको हराया है, लेकिन इनका मैच कभी रिंग में नहीं हुआ, मतलब कि पिन फॉल से कभी एक मेक को नहीं हरा पाई है। लेकिन फ्यूचर में अगर इनका मैच होता है तो काफ़ी बढ़िया हो सकता है, क्योंकि दोनों भी जायंट सुपरस्टार और जायंट सुपरस्टार की मैच देखने में काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है। क्योंकि WWE भी दो जायंट को देखने में काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टेड, मतलब कि उनका एक निजी मामला होता है कि दो जायंट को भिड़ाएंगे तो उनको अच्छी अटेंडेंस मिलेंगी, और WWE के फैंस को भी दो जायंट अगर भिड़ते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, एक बढ़िया रेसलिंग वाइज मैच हमको देखने को मिलता है। और ब्रॉन्स स्ट्रोमन की बात तो रेसलिंग के मामले बढ़िया है ब्रॉन्स स्ट्रोमन, लेकिन डब्बा काटो की हमने इतनी बढ़िया फाइट नहीं देख पाए हैं क्योंकि उनको टीवी टाइम नहीं मिला है। लेकिन ब्रॉन्स स्ट्रोमन की बात करें तो वो बढ़िया रेसलर है और एथलेटिक भी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इनके फ्यूचर मैच की, अगर इन दोनों में मैच हुआ तो कौन जीतेगा। तो देखो, मैं चाहता हूँ कि कोई भी जीते, लेकिन ये मैच काफ़ी बढ़िया होना है। अगर WWE चाहे तो ब्रॉन्स स्ट्रोमन को भी जिता सकती है, अगर WWE चाहे तो वो डब्बा काटो को भी जिता सकती है। लेकिन मेरा ओपिनियन नहीं रहेगा कि ब्रॉन्स स्ट्रोमन डब्बा काटो को हारेंगे, क्योंकि ब्रॉन्स स्ट्रोमन बड़े स्टार है डब्बा काटो से। आपको कैसा लगता है ये वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ओपिनियन ये है, ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।